नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गानाथ शर्मा के 72 वर्षक उम्र में निधन। नेता गसदार सहित 175 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। गसदार सांसद पद से निलंबित। 5 वर्ष भीतर निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान शुरू होबाक मंत्री भट्टराय के दावी। 4 महीना भीतर गौतम बुद्ध विमानस्थल से निर्माण पूरा है। परसा के बिरगंज स्थित एक प्लास्टिक उद्योग में आग लगी, करीब 70 लाख सामान जड़। आ विश्वकप क्रिकेट छनौट के लिए नेपाल आ ओमान बीच खेल में नेपाल 18 रन से पराजित। अब समाचार विस्तार में। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गानाथ शर्मा के 72 वर्षक उम्र में निधन भेल अछि। नेपाल टेलीविजन के स्थापना काल से लंबा समय धरि समाचार वाचक आ कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में काज कयने हुनक 72 वर्ष के उम्र में निधन भेल अछि। काठमांडू महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में हुनक निधन भेल अछि। शर्मा हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित छलथि। बीतल मंगल दिन शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र में भर्ना भेल। हुनका मंगल के रात मनमोहन अस्पताल में राखल गेल छल। शर्मा नेपाल टेलीविजन में 20 वर्ष बितौने छलथि। 2041 साल में नेपाल टेलीविजन स्थापना काल से काज कयने शर्मा टेलीविजन के महाप्रबंधक धर के जिम्मेवारी सम्हारने छलथि। नेपाल टेलीविजन के इतिहास में समाचारक पहिल बुलेटिन सेहो शर्मा तैयार कयने छलथि। विश्व घटना नाम के कार्यक्रम हुनक चर्चित कार्यक्रम छल। टेलीविजन से पहिने ओ रेडियो नेपाल आ गोरखा पत्र में सेहो काज कयने छलथि। शर्मा के 2 बेटा आ श्रीमती अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत सप्तरी के छिन्नमस्ता भगवती मंदिर सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास कयल गेल अछि। बुध दिन सप्तरी में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संयुक्त रूप में परियोजना के शिलान्यास कयलनि अछि। 6,30,00,000 के लागत में 15 महीना भीतर मंदिर परिसर स्थित पोखरी के सौंदर्यीकरण, धर्मशाला, शौचालय के निर्माण तथा बिजलीवती के व्यवस्था करवाक मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सीनियर डिविजनल इंजीनियर भगवान झा बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री विजय कुमार गसदार सहित 175 गोटे विरोध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल अछि। काठमांडू के बालुवाटार स्थित ललिता निवास के जमीन प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पूर्व मंत्री गसदार सहित 175 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयने अछि। 112 रोपनी सरकारी जमीन व्यक्ति के नाम में दर्ता क के हिना मीना कयने अभियोग में अख्तियार बुध दिन विशेष अदालत में अभियोग पत्र दायर कयने अछि। अख्तियार मुद्दा दायर कयने सभक सूची में तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री विजय कुमार गसदार, भूमि सुधार मंत्री डम्बर श्रेष्ठ आ ओकर बाद मंत्री चंद्रदेव जोशी सेहो अछि। प्रकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत अच्युतमणि न्यौपानी समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध क्षेत्र सिंह देउजाको नाति गोपाल सिंह देउजाको छोरा भक्तपुर जिल्ला साबिक चित्तपोल गाविस वडा नम्बर 2 हाल भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 10 देउजा गाउँ बस्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन मालपोत अधिकृत वर्ष 68 को कलाधर देउजा समेत 175 जना विरुद्ध प्रतिवादी बनाएर यो मुद्दा चलाएको छ। यसमा 3 जना मन्त्री समेत छन् र 3 जना सचिवहरू समेत तत्कालीन सचिवहरू समेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ। यो मुद्दाको नाम चाहिँ मुद्दा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाम कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दाको नाम राखिएको छ। तैना पूर्व सचिव सब दीप बस्नेत, छवि राजपंत आ दिनेश हरि अधिकारी विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयल गेल अछि। बस्नेत अख्तियारक पूर्व प्रमुख आयुक्त सेहो अछि। भ्रष्टाचार आरोप के सूची में 22 रोपनी जमीन घूस लेने कहल गेल पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह आ ओकर पत्नी उर्मिला, गृह मंत्रालय के पूर्व सह सचिव
गेहनाथ भंडारी आ हुनक पत्नी भुवन कुमारी चापागाई सेहो अछि। अखन चितवन जिला अदालत में कार्यरत न्यायाधीश विनोद कुमार गौतम ऊपर सेहो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। गौतम 2066 साल में मंत्री परिषद में प्रस्ताव पठौला सँ गलत राय देने आरोप में पड़ल अछि। सरकारी जमीन व्यक्ति के नाम में करावा मुख्य भूमिका खेलने राम प्रसाद सुवेदी आ शोभाकांत ढकाल आ भाट भटनी सुपर मार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुंग विरुद्ध सेहो अख्तियार मुद्दा दायर केने अछि। अख्तियार ढकाल संग 49,27,68,000 कसदार आ बसनैत संग अलग अलग 9,65,76,000 जोशी संग 7,08,48,000 आ दिनेश हरि अधिकारी संग 7,08,48,000 मांग दावी केने छल। तहिना भाट भटनी सुपर मार्केट संग 50 करोड़ रुपया मांग दावी कयल गेल अछि। 110 गोटे के जमीन जफत सहित कार्रवाई आ 65 गोटे से जमीन फिरता लेवाक मांग दावी मुद्दा में कयल गेल अछि। 2062, 2067 आ 2069 साल में ललिता निवास के जमीन अतिक्रमण भक व्यक्ति के नाम में दर्ता भेल छल। ललिता निवास जमीन प्रकरण में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो तत्कालीन प्रधानमंत्री सब कृष्ण प्रसाद भट्टराय माधव कुमार नेपाल आ बाबूराम भट्टराय निर्दोष रहल निचोड़ निकालने छल। विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता भेला संगे गसदारक सांसद पद निलंबित भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के सदस्य सब भ्रष्टाचार निवारण के लेल ऐन कानून मात्र बनाकर नहीं हेबा कहत राजनीतिक नेतृत्व के छवि में सुधार आनल जेबा में सुझाव दिलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बुध दिन के बैसार में भ्रष्टाचार निवारण पहल संशोधन विधेयक 2076 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी होत सांसद सब राजनीतिक नेतृत्व आ नेतृत्व के नैतिक आचरण में सेहो सुधार आनल जेबा आवश्यकता रहल बतौलक अछि। सांसद जितेंद्र नारायण देव दंड सजाई के हक में भ्रष्टाचार करवला व्यक्ति के पदीय हैसियत के सेहो सजाई में समावेश कयल जेबाक धारणा राख लेने छे। प्रधानमंत्री मंत्री सब आ सचिवालय के पद स्वच्छ भेल दिन देश में भ्रष्टाचार अंत हेबा कहत ओ ई सार्वजनिक पद सब के स्वच्छ बनेबाक देश आवश्यक नियम आ व्यवस्था कयल जेबाक सुझाव दिलन। अर्थ विधेयक को संदर्भ में तो विधेयक तल मात्र प्रस्तुत होने पेश होने र सरकार गठन र विघटन को प्रक्रिया में राष्ट्रसभा को कुनै सहभागिता न रहने भन्ने बाहेक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा में अन्य कुनै पनि विषय वस्तु में फरक छैन। दुबई को समान हैसियत समान गरिमा र समान महत्व दिएको छ संविधानले। तर यस किसिमको विचार यस किसिमको यो वास्तविकता देश में संप्रेषण होना सकेन दुई वर्षदेखि त्यो यो संवैधानिक वास्तविकता नेपाली जनता को बीच में जान सकेन। तहिना सांसद रामप्रीत पासवान भ्रष्टाचार के कारण प्रवृत्ति के नियंत्रण करबाक किसिम से ऐन बनाल जेबाक बतौलन। भ्रष्टाचार नाम को भाइरस नेपाल में फैलिएको छ त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जाओस् र सरकार को ध्यान जानु जरूरी छ। आज बेरोजगारी र महंगाई को मारमा युवाहरु आज स्ट्रेस का शिकार भइरहेका छन्, बेरोजगारी छन्, काम पाइरहेका छैनन्, विभिन्न समस्याहरु छन् भने महंगाई पनि त्यतिकै बढ्दै गइरहेको छ र भ्रष्टाचार पनि त्यतिकै भयावह स्थितिमा पुगिसकेको छ। तहिना सांसद रामनारायण बिराड़ी कर्मचारी के बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेबाक सरकारी अस्पताल में इलाज करेबाक कानून बनाव सकला पर भ्रष्टाचार अंत्य हेबाक बतौलन। सेना प्रहरी निजामती शिक्षक चिकित्सक सब क्षेत्र में यो काम बढ़्दो छ। नेपाली भाषा बोल्ने दौरा सुरुवाल लाउने अनि विदेशीको सेवा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय गोपनीयता सुहाउने कति छन् देशमा? के यो गुप्तचरीले त्यसको लेखा जोखा गर्यो? का सांसद प्रकाश पंत वर्तमान अवस्था में जटिल बनित गेल भ्रष्टाचार के नियंत्रण करैत विधेयक नै आयल टिप्पणी कयलनि।
सैद्धांतिक परामर्शमा उठल सवालक सरकारक दिस जवाफ दैत जनसंख्या तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल वर्तमान सरकार सब किसिमक भ्रष्टाचारक समूल अन्त्य करबामे प्रतिबद्ध रहल बतौने छलथि। एहिबीच राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव राष्ट्रीय सभा के भूमिका के विषय में नकारात्मक टिप्पणी करैत आयल कहैत असंतुष्टि जनौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के बुध दिन के बैसार के विशेष समय में सांसद देव चेतनशील नागरिक सेहो राष्ट्रीय सभा के विषय में नहीं बुझि कऽ नकारात्मक देखल गेल ऊपर असंतुष्टि जनौलनि अछि। हाम्रो देशको संविधानको धारा 83 ले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय संघीय व्यवस्थालाई यसरी परिभाषित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ। भन्दाखेरि संघीय संसदलाई यसरी परिभाषित गरेको छ संविधानले। राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसदको अथवा पार्लियामेन्टको कल्पना छैन। पहिलो वास्तविकता, संवैधानिक वास्तविकता। संविधान संघीय संसद के दुनू सदन के समान हैसियत आ समान महत्व दिल पर राष्ट्रीय सभा के संवैधानिक वास्तविकता नेपाली जनता समीप जाय नै सकला सा फरक बुझल गेल ओ बतौलनि। ओ राष्ट्रीय सभा के महत्व बुझेबाक लेल सचिवालय से कैल जेबाक काज के लेल चार बंदा के सुझाव सेहो देलनि। जहाँबाट हामी जितेर आएका चुनिएर आउँछौँ, निर्वाचित भएर आउँछौँ, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीप्रति जिम्मेवार बनाउन नियमावलीमा संशोधन गरी विशेष किसिमको संयन्त्र गठन गर्ने यो कुरा हामीले गरेका थियौँ। पछिल्लोपल्ट नियमावलीको संशोधनको सन्दर्भमा एक खालको निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ, तर अन्तिम समयमा आएर यहाँ चाहिँ इरेज हुने काम, त्यसलाई चाहिँ त्यो डिलिट गर्ने काम गरियो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रसभा हामी जितेर आउँछौँ आफ्नो तर कन्स्टिट्युएन्सीप्रति हाम्रो कुनै जिम्मेवारी भएन, त्यो हिसाबको एउटा नियमावलीमा संशोधन होस्। राष्ट्रीय सभा सघन रूप में राजनीतिक तह, समिति तह आ सचिवालय तह में नियमित रूप में प्रेस मीट कैल गेल काज सब संप्रेषण कर राष्ट्रीय सभा के सदस्य सबके व्यक्तिगत आ सामूहिक रूप में जिम्मेवार बनबत नियमावली में संशोधन कर सुझाव देने। जर्मन के फर्स्ट लेडी इल्के मिथिला नगरपालिका के स्थलगत भ्रमण अवलोकन कैलक। जर्मनी के फर्स्ट लेडी इल्के नगरपालिका के विभिन्न वड़ा में भ्रमण करैत बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य आ सरसफाई के विषय में बुझने अछि। एहिसँ पहिने नगरपालिका के कार्यालय में ओ सहित हुनक टोली नगरपालिका के विकास, यूनिसेफ सहित के दात्री निकाय सभक काज सहित के विषय में बुझने छलथि। नगर प्रमुख हरिनारायण महतो सहित नगरपालिका पक्ष सँ नगर के विभिन्न समस्या आ चुनौती सबक विषय में जानकारी करौने छल। नगरपालिका भीतर के विभिन्न वड़ा सब में पहुँच कर अत स्थित बाल क्लब सब संग सहकार्य में यूनिसेफ कर रहल काम कार्रवाई के विषय में सेहो जर्मन के फर्स्ट लेडी इल के जानकारी लेने छल। जर्मन बाट फर्स्ट लेडी हाम्रै नगरपालिकामा सरसफाई सम्बन्धी, विपत्ति जोखिम सम्बन्धी, बाल बालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभयो। अब कार्यक्रम सकिएर भर्खरै अहिले यही वडा नम्बर, यही मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 5 उहाँहरू प्रस्थान हुनुभयो। त्यहाँका चाइल्ड क्लब यानि बालबालिकाको उसमा गएर अब के कसरी युनिसेफले कार्यक्रम योभन्दा अगाडि गरेको थियो, आसन गरी आएको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बुझ्नको लागि उहाँ जानुभएको। बृहस्पति दिन सेहो हुनक टोली नगरपालिका के विभिन्न विषय में अवलोकन करबाक कार्यक्रम रहल। नगरपालिका जर्मनी के फर्स्ट लेडी इल्के के स्नेह के चिन्ह स्वरूप श्री जानकी मंदिर के प्रतिमा प्रदान कयने छल। धनुषा के नगराय नगरपालिका के मेयर परमेश्वर यादव शिक्षा के गुणस्तर विकास के लिए अपना सब कोनो भी कीमत उठाव तैयार रहल बतौलन। नगराय नगरपालिका में बुध दिन लोक समाज के ने शिक्षक सभक पेशागत क्षमता अभिवृद्धि तालीम उद्घाटन कार्यक्रम में मेयर यादव शिक्षित समाज निर्माणक लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन। जे 3 के तालीम अपने सबके क्षमता अभिवृद्धि के छै ओकरा सब कोई कहबे कले त जे एके अपने सब व्यवहार में लागू कर क नगरायन नगर पालिका के शिक्षा संबंधी प्रतिफल की मिलते, केना हमरा विद्यालय सबके उन्नति हेतै, जे काल्हि खिना दोसर
हमर वरीपरी के जे विद्यालय सब छै के देख कऽ ओहू सब आगा बढ़त। शिक्षक सभक क्षमता अभिवृद्धि के लेल शुरू भेल तालीम में प्रभावकारी शिक्षण कला, कक्षा कोठा के प्रयोग, शिक्षण सामग्री के प्रयोग, सॉफ्ट स्किल शिक्षण शिकायत सहित विषय में जानकारी देल जात। तालीम तीन दिन है, आज आई पहल दिन है, जे मतलब कक्षा कोठा में प्रयोग जे चीज नहीं होते रहे से चीज सबके अठम स्किल क्या सॉफ्ट स्किल के बात कल के केना सॉफ्ट स्किल से विद्यार्थी के कक्षा कोठा में बेसी से बेसी प्रभावित करबे आ बेसी से बेसी इफेक्टिव क्लास केना करबे एक मेन उद्देश्य। तालीम में नगरायन नगरपालिका भीतर के विभिन्न विद्यालय के प्रधान अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका सहित के सहभागिता। उद्घाटन कार्यक्रम में नगरायन नगरपालिका के शिक्षा संयोजक देवेंद्र लाल कर्ण, प्रशिक्षक उमेश लाल कर्ण, सुनील मल्लिक, परमेंद्र निधि सहित के सहभागिता छल। तालीम तीन दिन धरि चलत। आब व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद 5 वर्ष भीतर निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान शुरू होबाक मंत्री भट्टराय के दावी। 4 महीना भीतर गौतम बुद्ध विमानस्थल के निर्माण पूरा है। परसा के बीरगंज स्थित एक प्लास्टिक उद्योग में आग लगी, करीब 70 लाख के क्षति। आ विश्वकप क्रिकेट छनौट के लिए नेपाल आ ओमान बीच भेल खेल में नेपाल 18 रन से पराजित। नेपाल सरकार तराई मध्य क्षेत्र के विभिन्न विमानस्थल सबक स्तरोन्नति के लिए विशेष योजना आगा बढ़ौलक। 7 प्रदेशक तराई के जिला में अवस्थित विमानस्थल के स्तरोन्नति के लिए सरकार विशेष योजना आगा बढ़ौलक। विराटनगर, नेपालगंज, चंद्रगढ़ी विमानस्थल के स्तरोन्नति के लिए सरकार योजना आगा बढ़ौलक। तहिना धनगढ़ी, भरतपुर, जनकपुर आ राजविराज के स्तरोन्नति के लिए सेहो सरकार काज करत। विराटनगर विमानस्थल के स्तरोन्नति के लिए 4 अरब रुपया लगवाक अनुमान कयल गेल अछि। जमीन अधिग्रहण के लिए सेहो वही बराबर के रकम लगवाक अनुमान कयल गेल अछि। तहिना नेपालगंज विमानस्थल के लिए 4 अरब आ जमीन अधिग्रहण के लिए 3 अरब खर्च होयत। तहिना चंद्रगढ़ी विमानस्थल स्तरोन्नति के लिए 3 टा जमीन अधिग्रहण कर 3 अरब आ विमानस्थल निर्माणक लेल 2 अरब लगवाक अनुमान कयल गेल अछि। धनगढ़ी विमानस्थल के स्तरोन्नति के लिए 2 करोड़ रुपया आ जमीन अधिग्रहण में 4.5 अरब खर्च होबाक अनुमान कयल गेल अछि। तहिना भरतपुर विमानस्थल के रन में ओवरलेक काज अंतिम चरण में पहुँचल अछि। 10 करोड़ रुपया के रकम विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना जनकपुर विमानस्थल के स्तरोन्नति के काज सेहो अंतिम चरण में पहुँचल अछि। परियोजना में कुल 37 करोड़ रुपया खर्च होबाक अनुमान कयल गेल अछि। तहिना राजविराज विमानस्थल निर्माण में 60 करोड़ आ जमीन अधिग्रहण में 1.5 अरब रुपया खर्च होबाक अनुमान कयल गेल अछि। संपूर्ण विमानस्थल के स्तरोन्नति के लेल 5 वर्षक समय अवधि तोकल गेल छै। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय 5 वर्ष भीतर निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से व्यावसायिक उड़ान शुरू करवाक बतौलन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बुध दिन केने कार्यक्रम में मंत्री भट्टराय 5 वर्ष भीतर कोनो हालत में विमानस्थल निर्माण सम्पन्न क के व्यावसायिक उड़ान शुरू होबाक बतौलन। निजगढ़ विमानस्थल सम्पूर्ण नेपाली के सपना आ गेम चेंजर प्रोजेक्ट भेला से 5 वर्ष भीतर व्यावसायिक उड़ान होबाक बतौलन। आबक 4 महीना बाद गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण सम्पन्न होबाक से ओ जानकारी दिलन। ओ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 1 वर्ष भीतर निर्माण कार्य सम्पन्न हेबाक सेहो जानकारी देलने छै। कुनै हालतमा 5 वर्ष भित्र व्यवसायिक पुरान गर्ने गरी अघि मैले भने जस्तै यो सीआरजी 700 समेटेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौं र त्यसको सुझाव निजगढ जो हाम्रो एउटा गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो, सिंगो नेपालीहरुको एउटा ड्रीम हो, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा 5 वर्ष भित्र व्यावसायिक पुराण गर्ने गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले त्यो बाहेक अब छिटै नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ, 2-4 महिनाभित्र त्यो सम्पन्न हुन्छ नै। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यो 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ नै। त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, अहिलेको काठमाडौँको जुन चाप छ त्यो चापलाई कम गर्न
मंत्री भट्टराय निजगढ़ विमानस्थल 5 वर्ष में निर्माण संपन्न भेला बाद वार्षिक 1 करोड़ पर्यटक नेपाल घुमा एबाक सेहो दावी कयलनि अछि। प्रत्येक विमानस्थल सब सेवा संगे व्यवसाय सेहो करबाक हिसाब से विस्तार करबाक भट्टराय के कहब अछि। एहि बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय पर्यटन प्रवर्धन के लेल पर्याप्त स्रोत आ जनशक्ति नहि भेल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में भेल भ्रमण वर्ष 2020 के कार्यान्वयन के अवस्था विषय परामर्श में मंत्री भट्टराय स्रोत साधन आ जनशक्ति अभाव रहल बतौलनि अछि। भ्रमण वर्ष आ पर्यटन प्रवर्धन के लेल जनशक्ति आ स्रोत साधन मात्र नहि भऽ कऽ बजट सेहो कम रहल हुनक कथन अछि। बजेटमा पनि त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ, साथै जनशक्ति पनि हामीसँग पर्याप्त जुन प्रवर्धनको निम्ति जनशक्तिको अभाव छ, स्रोतहरूको अभाव छ। हामी 10-15 करोड, 20 करोड, 25 करोडको बजेटको कुरा गरिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै न्यून बजेट हो, त्यो साधन स्रोत बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि भनि नै रहेका छौँ। आउने बजेटमा पनि त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ, साथै जनशक्ति पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यो जनशक्तिलाई पनि थप्दै, साधन स्रोत पनि थप्दै, पर्यटन प्रवर्धन र भ्रमण वर्षलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कुरामा हाम्रो जोड गर्ने कुरा म मान्य सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णलाई। मन्त्री भट्टराय नारायण हिटीमे कोनो होटल नै बनबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। संग्रहालय के मापदण्डमे नारायण हिटी रहलासँ एहिमे कोनो होटल नै बनबाक हुनक कथन अछि। संग्रहालयकै रूपमा रहनेछ, सङ्ग्रहालयको नाउँभित्र रहनेछ, त्यति म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यहाँभित्र कुनै होटल बनाउने योजना पनि छैन, बन्दा पनि बन्दैन, कफी सपसम्म हुनसक्छन्। होइन, कफी सपलाई नै ठुल्ठुला होटल मान्ने हो भने त मिलेन, तर त्यति चाहिँ हुनसक्छन्। अरू कुनै पनि त्यहाँ व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति अरू कुनै त्यस्तो होटलहरू आदि इत्यादि रिसोर्ट बनाउने योजना हाम्रो छैन। ओ कोरोना भाइरस के कारण चीन से लक्ष्य अनुसार पर्यटक आना संभव नहीं भेला सा और वैकल्पिक बाजार के खोजी भेल सेहो बतौलनि। चीन से एहि वर्ष 5 लाख पर्यटक आनबाक लक्ष्य के संग काज भेलो पर कोरोना भाइरस पूर्ति हेबाक संभावना नहीं रहल आ निजी क्षेत्र सब संग परामर्श क के वैकल्पिक बाजार खोज योजना बनि रहल सेहो ओ बतौलनि। यो साल अझै बढेर 5 लाख पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसमा चिनियाँ सरकारको विभिन्न एजेन्सीले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको थियो, एकसाथ हामी गरिरहेका थियौँ। त्यो ठुलो मार्केट थियो, त्यसलाई ध्यान दिँदै अब हामी यदि त्यताबाट केही घाटा भयो भने परिपूर्ति कहाँबाट गर्ने त भनेर अन्य मार्केटहरू खोज्नको निम्ति हामीले साथीहरूलाई भनेका छौँ, प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ। र कोरोना भनेको छ, त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निम्ति मन्त्रालयले फोकल पोइन्टहरू तोकेको छ। मन्त्रालयको सहसचिव घनश्यामजी, वैशाखमे मन्त्री भट्टराय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे पहिनेसँ बहुत सुधार आयल बतौलनि। तराई क्षेत्रमे रहल राजविराज विमानस्थल बाहेक आओर विमानस्थल सभमे रात्रिकालीन उडान शुरू भऽ चुकल सेहो जानकारी देलनि। ओ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलके पछिला कार्य प्रगति नीक रहल जानकारी देने छलथि। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के कार्यान्वयन विदेशी नागरिक सभक विमान भाड़ा दर आ वार्षिक कार्य योजना कार्यान्वयन संबंध में परामर्श भेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय सहभागी परामर्श में सांसद सब भ्रमण वर्ष सफल कर विभिन्न सुझाव देने अछि। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, नेपालक जनजाति भाषा संस्कृति आ नेपाल में भेल पुरान बात सभक प्रचार कर म्यूजियम बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ नेपाल गणतंत्र स्मारक नारायण हिटी में बनाक गलती केने सेहो बतौलनि। सरकारको ध्यान जाओस्, यो जम्मै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भन्दा भन्दा थाकिसके, अर्थ मन्त्रीलाई भन्न पाएको छैन, प्राइमरी कमिसनलाई त्यो गर्नुपर्ने चलायो। पहिलो देशको सिङ्गो इतिहासको एउटा म्युजियम बनाऊ, र यहाँ फेरि नारायणीमा म सुन्दैछु कि एउटा कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउने र होटल बनाउने, वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको होटल बनाउने, बर्बाद पार्नु खोजे। अर्को जग्गा चाहिँ दिए हुँदैन, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा डिजास्टर केही पनि हुँदैन। र त्यो कुरा पहिलो, दोस्रो भनेको हाम्रो देशको सिङ्गो आन्दोलन क्रान्तिको इतिहासको एकदम झलक देखिने अर्को म्युजियम बनाउनु पर्छ छुट्टै, जस्तो हामीले त्यहाँ नयाँ हिटमा लगेर गणतन्त्र स्मारक बनाउनु बनाउनै नहुने
गर्दैनौ। परामर्श में सांसद भीम वड़ावल पर्यटन वर्ष के सफल कर सड़क यातायात हवाई यातायात आ होटल लगात के भौतिक पूर्वाधार के विकास कैल जेबाक बतौलन। भूकंप के कारण क्षति पहुँचल संपदा सबक पुनर्निर्माण द्रुत गति में कैल जेबा में ओ जोड़ दिलन। अतबाट भ्रमण गर्न आउने पाहुनाहरूले पनि त्यसबाट अलिकति प्रभावित हुने प्रभावितै नभइहाले भने पनि कमसेकम आफूलाई सहज सम्झने हुनसक्छ, त्यतातर्फ हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् यी सांस्कृतिक सम्पदाहरू कतिपय ठाउँमा बिग्री भत्केका अवस्थामाहरू छन्, कतिपय त हामी निर्माण पनि गरिरहेका छौँ, त्यसलाई अझ कति त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने यसलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अलि भताभुङ्गा लथालिङ्ग भएकोलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने कति गर्न सक्छौँ त्यसको लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश मान सिंह काठमाडौँकै प्रदूषण कम गर विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रमै साइकल लेनक विकास कैल जेबामे जोड दिलन्। सम्पदा सूचीमा पडल क्षेत्र सभक प्रचार प्रसारमे जोड देनाय आवश्यक रहल हुनक कहब अछि। यहाँ चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ जुन प्रदूषण जुन मात्रालाई चाहिँ कम गर्नुको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुको लागि यो जुन हाम्रो चाहिँ सातवटा चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट छ नि त्यो सातवटै वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा भिजिट गर्नलाई चाहिँ यो साइकल लेनहरू चाहिँ बनाएर त्यो गर्न सक्यो भने त्यो एउटा चाहिँ एट्र्याक्सन हुनसक्छ। सांसद पुष्पा भूषाल भ्रमण बरस शुरू भ चुकलो पर गंभीरतापूर्वक तैयारी नहीं भेल बतौलन। पर्यटक के आकर्षित करबाक योजना बनाओल जेबाक आ नया अभियान चलाओल जेबा में ओ जोर दिलन। परामर्श में नेपाल भ्रमण बरस सचिवालय के संयोजक सूरज वैद सातु प्रदेश में रहल विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र सबके पहचान करबाक लेल विशेष कार्यक्रम कर तैयारी कैल गेल जानकारी दिलन। समिति सभापति पवित्र निरौला खरेल भ्रमण वर्ष के सफल कर सब स्थानीय तह से बजट छुटियाल जेबाक बतौलन। विमान स्थल विभिन्न सार्वजनिक स्थल लगात के क्षेत्र के सरसफाई में मात्र ध्यान देव सकला पर मात्र भ्रमण वर्ष के सहयोग पहुँचवाक ओ बतौने। फिर से व्यावसायिक विश्राम बाद परसा के वीरगंज स्थित एक प्लास्टिक उद्योग में आग लगी करीब 70 लाख के क्षति। आ विश्वकप क्रिकेट छनौट के लिए नेपाल आ ओमान बीच भेल खेल में नेपाल 18 रन से पराजित। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सेवा के गुणस्तर में ध्यान देव नेपाल टेलीकॉम के आग्रह कलन। बुदिन नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड नेपाल टेलीकॉम के 16वां वार्षिक उत्सव में मंत्री बास्कोटा सेवा के पहुँचक विस्तारवाद आ वाला चुनौती आ गुणस्तर में सुधार करैत आगा बढ़ सुझाव दिलन। ओ कम समय में टेलीकॉम बहुत प्रगति केने सेहो बतौलन। ओ पिछला एक वर्ष में कंपनी बहुप्रतीक्षित 4G सेवा परियोजना देशभरि पहुँचाब सफल भेल सेहो बतौलन। सभापति एवं मन्त्रालयका सचिवज्यू कम्पनीका अध्यक्ष के हो भने अब गुणस्तरमा सुधार, त्यो गुणस्तरको सुधार चाहिँ अबको हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। सेवा मात्रै विस्तारित भएर भूभाग मात्रै कब्जा गरेर पुग्दैन, त्यसतर्फ पाइला चाल्न सक्नुपर्छ। हामीले गुणस्तरीय सेवा दिनासाथ स्वाभाविक रूपमा हामीले जनताले चाहेको सर्भिस उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसपछि टेलिकमका कर्मचारीले मन्त्री बास्कोटा टेलिकममे कार्यरत किछ कर्मचारी आन्दोलन कऽ रहल कहैत जायज माँग भेलापर सम्बोधन करबाक मुदा राजनीति करयवलाके कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत देलन। अघि नै एमडीले बताउनु भयो ग्यारे लोकसेवामा त सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन, पठाइदिएपछि आमाको जन्मदिनको दिन मङ्गल धुन बजाउने कि शोक धुन बजाउने, आजको दिन पनि खुसी हुन नसक्ने मानसिकता। आधिकारिक ट्रेड यूनियन के असंतुष्ट कर्मचारी सब टेलीकॉम के शेयर कर्मचारी पाओल जेबाक करारक कर्मचारी के नौकरी अवधि गणना कैल जेबाक लगात के विषय में मांग रखैत आंदोलन कला बाद मंत्री बास्कोटा असंतुष्टि जनौलन।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के पुनर्संरचना कर लागल जानकारी दिलन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बुध दिन के बैसार में मंत्री भूषाल परियोजना प्रभावकारी नहीं भेला से पुनर्संरचना कर लागल बतौलन। ओ परियोजना अंतर्गत के अनुदान में प्रश्न उठला से अनुसंधान आ निरीक्षण शुरू कैल गेल जानकारी दिलन। मंत्री भूषाल परियोजना भेल दुरुपयोग ऊपर अनुसंधान क के आवश्यक कार्रवाई करबाक से बतौलन। यसो गर्दा आज ठ्याक्कै दलबहादुर मान्य दलबहादुर राणाले सुरु गर्नुभएका प्रश्नकै वरिपरि सबै मान्यजीहरूका प्रश्न छन्। आज ठ्याक्कै भन्दा यसको प्रगति मिश्रित छ, धेरै असफलताहरू पनि छन्, राम्रा कथाहरू पनि छन्। केस वाइज अहिले भन्ने त्यत्रो धेरै साथ आउँदैन, उहाँहरूले त्यो प्रदेश सरकारले नै ह्यान्डल गर्छ र तल लोकल बडीसँग चाहिँ तिनीहरू सम्बन्धित छन्। त्यहाँ अलि बैसारमे सांसद दलबहादुर राणा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कोनो योजना नै भेल बतौलन। त्यसलाई त्यो जोन सुपरजन त्यहाँ दिनुपर्ने त्यति धेरै आवश्यकता नहुनु पनि सक्छ र कुन विषय हामी आत्मनिर्भरताको दिशातिर जाँदैछौँ अब त्यो प्राथमिकता हेर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकताले अब कतिवटा जोन कतिवटा सुपर जोन थपेर जाने कुन कुन ठाउँमा र यसको प्रक्रिया के हो तैना सांसद देव प्रसाद तिमलसेना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लक्षित वर्गमे केन्द्रित नै भएको पहुँचक आधारमे चलल बतौलन। समिति सभापति पूर्ण कुमार सुवेदी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सेहो नीति आ विधि अनुसार चल नै सकल बतौलन। ओ एकर अपारदर्शिता उपर परामर्श कऽ कऽ नियमन कयल जेबाक अवस्था आयल सेहो बतौलन। परियोजना अंतर्गत देशभर 16 सुपर जोन आ 106 जोन संचालन में रहल अछि, जेकर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहि भेल आ लक्षित वर्ग में केंद्रित होब नहि सकल उपराग होइत आयल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नैतिक आ सामाजिक मूल्य मान्यता में आधारित पत्रकारिता के लेल अनुसंधानात्मक पाठ्यक्रम के विकास कयल जेबाक बतौलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम संचार केंद्रीय विभाग के भवन शिलान्यास समारोह में मंत्री खतिवड़ा सामाजिक जिम्मेवारी सहित के पत्रकारिता विकास के लिए अनुसंधानात्मक पाठ्यक्रम के विकास अनिवार्य रहल बतौलन। ओ विभागक नया भवन निर्माण बाद विश्वविद्यालय अनुसंधानक काज सबके आगा बढ़ेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलन। ओ सब शैक्षिक प्रतिष्ठान सबके सेहो पत्रकारिता के अध्ययन अध्यापन आ अनुसंधान करेबाक केंद्र के रूप में विकास करैत आगा बढ़ल जेबा में जोर दिलन। यदि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपांतरण गर्नु छ भने आम संचार को माध्यम अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। हामी घर घरमै कति पुगेर सरकार त कहाँबाट पुग्न सक्ने, अभियन्ता घर घरै कसरी पुग्न सक्ने, तर अब अहिले रेडियो टेलिभिजन इन्टरनेट मोबाइलको पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सबै प्राय सूचना र सञ्चारका माध्यममा पहुँच पुर्याउने भइसक्यो। त्यसो भइसकेपछि अबको हाम्रो कुरा के हो भने यसबाट हामीले उपयुक्त अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमै संचार क्षेत्र के पहिल भूमिका रहबाक बतौलन। ओ एकर लेल सरकार आम संचार के पूर्वाधार सभक विकास में ध्यान देने सेहो बतौने छलथि। परसा के बीरगंज महानगरपालिका 14 गंडक स्थित अमृत प्लास्टिक उद्योग में बुध दिन अगिलगी भेल अछि। अगिलगी से करीब 70 लाख के सामान जरल, प्रहरी जनौलक अछि। दमकल के सहयोग में अग्नि नियंत्रक सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय वासी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल छल। अगिलगी के विषय में आर अनुसंधान भ रहल अछि। नापी कार्यालय बांके के सर्वेक्षक यम बहादुर खत्री 35,000 रुपया घूस सहित पकड़ायल अछि। सेवाग्राही संघ घूस लऽ चुकल अवस्था में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बुटवल संपर्क कार्यालय नेपालगंज से खटल टोली नापी कार्यालय बांके से ओकरा नियंत्रण में लगे। अख्तियार सर्वेक्षक खत्री संगे अपना लेखापढ़ी के काज कर रहा बतावला रुकुम पश्चिम चौड़ जहाड़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 7 के प्रताप केसी के सेहो नियंत्रण में लेलक अछि। घूस रकम सहित नियंत्रण में लेल गेल दुनू गोटे ऊपर आर अनुसंधान भ रहल अछि।
आब खेल समाचार। विश्वकप क्रिकेट छनौट के लिए नेपाल आ ओमान बीच भेल खेल में नेपाल 18 रन से पराजित भेल अछि। टॉस जीतकर फील्डिंग केने ओमान निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 197 रन बनौने छल। 46.5 ओवर में 179 रन जोड़ित नेपाली टोली ऑल आउट भेल छल। नेपालक लेल करण केसी सर्वाधिक 4 विकेट लेने छल। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल 12 बॉल में 1 रन बनौने छल। तहिना पूर्व कप्तान पारस खटका 3 रन जोड़ने छल। नेपालक लेल सर्वाधिक 55 रन शरद भेसवाकर जोड़ने छल। ओ 108 बॉल के सामना कयने छल। 57 बॉल खेलने ऐरी 5 चौका आ 1 छक्का प्रहार करैत 36 रन जोड़ सफल भेल छल। ओमान के लेल सर्वाधिक 69 रन मोहम्मद नदीम जोड़ने छल। 96 बॉलक सामना कयने ओ अभिजीत पारी खेलने छल। तहिना आईसीसी विश्वकप लीग 2 अंतर्गत ओमान विरुद्ध के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में नेपाली बॉलर सुसन भारी 3 विकेट लेने छल। 10 ओवर बॉलिंग केने ओ 14 रन देने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गानाथ शर्मा के 72 वर्षक उम्र में निधन। नेता गसदार सहित 175 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। गसदार सांसद पद से निलंबित। 5 वर्ष भीतर निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान शुरू होवाक मंत्री भट्टराय के दावी। 4 महीना भीतर गौतम बुद्ध विमानस्थल के निर्माण पूरा है। परसा के बीरगंज स्थित एक प्लास्टिक उद्योग में आग लगी, करीब 70 लाख के क्षति। आ विश्वकप क्रिकेट छनौट के लेल नेपाल आ ओमान बीच भेल खेल में नेपाल 18 रन से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।